नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। अभी तक हम 61 जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम बना चुके हैं और आज का जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है ये 62वें नंबर का 62nd नंबर का कार्यक्रम निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की श्रृंखला में होने वाला है। इसके साथ ही साथ अभी तक 410 जन्म कुंडली का अध्ययन इस निःशुल्क कार्यक्रम में हो चुका है और आज जो पहली जन्म कुंडली इस कार्यक्रम के होने वाली है वो 411वीं जन्म कुंडली होने वाली है। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि बहुत से लोग शिकायतें तो हालांकि करते हैं जिनका नहीं होता, क्योंकि समय लग जाता है, होता सभी का समय लग जाता है, तो इंतज़ार के बीच में शिकायतें तो स्वाभाविक हैं। लेकिन बहुत से लोग जिन्होंने पहले, जिनका अब आप कह लीजिए कि आज से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, 6 महीने पहले जन्म कुंडली का अध्ययन हुआ और उनकी स्थितियां जब ठीक हो रही हैं या उनको फ़ायदा मिल रहा है उपाय वगैरह करके, तो वो संपर्क करके इस बात को बताते हैं तो बहुत उसमें अच्छा महसूस होता है कि हाँ, निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था उससे कई लोगों को फ़ायदा मिल पा रहा है। साथ ही साथ वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। और जो डिटेल्स हैं वो यहीं पर भेजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, ना कि व्हाट्सएप पर। बहुत से लोग व्हाट्सएप पर डिटेल्स देते हैं और बोलते हैं कि निःशुल्क कुंडली अध्ययन लिखा आ रहा था, जो नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है वो पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए या ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए है। अगर आप निःशुल्क अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आपको अपनी डिटेल्स पोस्ट करनी है। आपकी डिटेल्स पोस्ट करने के बाद में लगभग 3 महीने का वक्त लगेगा, उसके बाद आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से इसी कार्यक्रम में किया जाएगा। अब बिना विलंब किए अपनी इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की पहली जो जन्म कुंडली है वो निहाल जोशी की है। तो निहाल जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 12 जून 1982। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो जन्म कुंडली को मेरे साथ में प्रिपेयर करते चलिए, ताकि आपकी भी जो अप्रोच है जन्म कुंडली को पढ़ने की वो साथ साथ किस तरह से अप्रोच करनी है वो आपको पता चलता जाए, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। जन्म का समय है इनका सुबह के 4:05 और उदयपुर से हैं ये। राजस्थान, मेष लगन की जन्म कुंडली है, राशि आपकी मकर बन जाती है। प्रश्न इन्होंने पूछा है, मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है ये, इनकी पत्नी ने दिया है, हमारी इनकम कब अच्छी होगी, ये जानना चाहते हैं इनकम कब अच्छी होगी। देखिए, मेष लग्न की जन्म कुंडली में लग्नपति बन जाते हैं मंगल, जाकर के बैठे हैं षष्ठ भाव में। अब लग्नपति का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना क्या होता है, अवयोग, और अवयोग के चलते जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष हो जाता है। हालांकि मंगल षष्ठ में बैठ करके वहां के वो कारक हैं लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं तो लग्न को बल तो वो प्रदान करेंगे, परंतु लग्नेश षष्ठस्थ हैं, इसका ये मतलब तो साफ है कि जातक के जीवन काल में संघर्ष औरों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होगा। संघर्ष किसके जीवन में नहीं होता, लेकिन औरों की अपेक्षा संघर्ष जो है वो ज्यादा दिखाई पड़ता है। दूसरा कारण, जो लग्न है आपका वो मेष है और राशि जो आपकी है वो मकर है, तो लग्नेश और राशि आपस में शत्रुता रखते हैं, मंगल और शनि में आपस में शत्रुता होती है, पहली चीज। नहीं, ये दूसरी चीज थी। और तीसरी चीज, लग्न आपका अग्नि तत्व का है और मकर राशि जो है वो भूमि तत्व की राशि है, तो तत्वतः भी मेल नहीं हो जाने के चलते संघर्ष बढ़ जाता है। अब संघर्ष किस तरह से बढ़ सकता है, हो सकता है यही जन्म कुंडली किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो कि एक बहुत मजबूत परिवार में जन्म लिया हो, तो इनकम ठीक हो, लेकिन तो उस लेवल पर उनको संघर्ष करना होगा। लेकिन ये जिस लेवल पर है, इनको इस लेवल पर ऊपर उठने के लिए, अपने करियर की ग्रोथ के लिए, अपनी इनकम के लिए संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है इनके हिसाब से। अब देखा जाए तो गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, राहु तृतीय भाव में बैठे हैं, हालांकि बुध के राशि में है, मिथुन में मूल त्रिकोण के होकर के बैठे हैं और नवम पंचम में भी हैं, तो काफी हद तक ये ठीक है, लेकिन गुरु में राहु का अंतर परेशानी देने वाला होता है जो कि चल रहा है मई 2020 से। साथ ही साथ मकर राशि होने के चलते शनि की साढ़े साथी की मध्य ढैया भी आपको जनवरी 2020 से चल रही है, जो कि अभी जनवरी 2023 में
उतरने वाली है। अब शनि की दशा लगेगी 11 अक्टूबर 2022 के बाद से, तो क्या शनि की महादशा लगते ही एकाएक सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। शनि दशमेश और लाभेश होकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव में ये कारक होते हैं, लेकिन रोग की स्थिति भी हो सकता है कि शनि में शनि का अंतर आए तो उत्पन्न कर दें, लेकिन फिर भी शनि लाभेश हैं और दशमेश होकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, जो कि कॉम्पिटिशन का भाव है। और आपका जो प्रश्न था इनकम, तो अभी 1.5 से 2 वर्ष का समय और लगेगा, उसके बाद में इनकम की स्थिति में इस कुंडली में कुछ हद तक ठीक देख रहा हूँ। वैसे जो अभी गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है अप्रैल मंथ में, उसके बाद भी इनकम का कुछ इनको रास्ता बेटरमेंट तो मिला होगा, ये मुझे इस जन्म कुंडली को देख करके लगता है, अगर प्रयत्न उस लेवल का रहा है तो। अब बात आ जाती है कि उपाय क्या कराए जाए। तो इनसे उपाय के तौर पर आप स्पेशली अभी कोई रत्न इत्यादि तो धारण ना कराएं, शुक्र लग्न में बैठे हैं तो वो स्थिति भी ठीक है। लग्न 29 अंश पर हो गया, एक संघर्ष की बात ये भी थी कि लग्न बिल्कुल अंतिम अंश पर है। शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य दिन में 3 बार, मतलब एक बार बैठ जाएं तो 3 पाठ करना है, ऐसा नहीं है कि सुबह दोपहर और शाम, एक बार बैठे तो 3 पाठ श्री सूक्त का घी का दिया जला करके करिए। और अगर जैसे आप पत्नी हैं तो पति पत्नी मिल करके 7 पाठ अगर टोटल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस उपाय को करें, महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि धनागमन के जो रास्ते हैं वो उनको बनाएं। बस यही एक उपाय है जिसको कि आप करें। और अगली जन्म कुंडली है सुनीता बौरा की, तो सुनीता जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 23 जनवरी 1992, सुबह के 11:30, जन्मस्थान है दिल्ली। मेष लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी सिंह बन जाती है। गुरुजी हमारी कुंडली के बारे में बताएं, कौन सा रत्न पहने जीवन में बहुत परेशानियां? देखिए, रत्न पहनने से अगर जीवन की परेशानियां दूर हो जाती तो प्रत्येक व्यक्ति 10 उंगलियां में रत्न पहना होता और बस चलता तो पैरों में भी पहनता। देखिए, रत्न पहनने से कभी समस्याएं दूर नहीं होती। मैंने हमेशा कहा कि ज्योतिष आपके जीवन को बदलने वाला नहीं होता, आपके जीवन को संवारने वाला होता है। आप देख पाते हैं, ज्योतिष नेत्र है ना, वेद नाम चक्षु, वेद का नेत्र है, आप देख पाते हैं और देख करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बदलने को नहीं होता, संवारने को होता है। तो हाँ, रत्न पहनने से, मैंने भी खुद 2 रत्न पहने हुए हैं, तो रत्न पहनने से उस ग्रह का तत्व, वो ग्रह जो हमारी कुंडली में बेनिफिशियल है, एक अच्छे स्थान में बैठा है, और वो ग्रह जो हमको कभी नुकसान नहीं कर सकता। मान लीजिए मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य योग कारक होते हैं, आपके तो हालांकि दशम भाव में बैठे हैं, लेकिन मान लीजिए कि किसी ऐसे भाव में बैठे होते जहां वो शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट होते, या राहु शनि इत्यादि के नक्षत्र में संचरण कर रहे होते, या नीच राशि में होते, तो मैं सूर्य का रत्न आपको कभी नहीं पहनाता। तो जब वो ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट में हो, भले ही कमज़ोर हो सकता है, तो हम उसको बल देने के लिए, उस तत्व को एनहेंस करने के लिए रत्न पहन सकते हैं, ताकि उस एक रत्न को धारण करने से आपको अपने जीवन काल में सब कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन जीवन को बदलने वाला कभी भी कोई रत्न नहीं हो सकता। निसंदेह पूजा पाठ करने से आपका जीवन बदला जा सकता है, ये मान लीजिए, लेकिन रत्न पहनने से, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ, और ये मैंने करा कर लोगों को देखा भी है, कि रत्न पहनने से वो लाभ नहीं मिल पाता जो भगवान की आराधना करने से मिल जाता है। क्योंकि रत्न आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन भगवान की आराधना कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ज्योतिष, ज्योति और ईश, एक व्यक्ति को धर्म से जोड़ना, एक मनुष्य को धर्म से जोड़ना ही ज्योतिष का काम है। तो पूजा पाठ से संबंधित उपाय तो अपने प्रारब्ध करते ही, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन रत्न, इसको आपके लिए इतना लंबा बोला क्योंकि सभी के लिए है। रत्न पहनने से कभी भी जिंदगी नहीं बदलती। हाँ, परेशानियां अगर 100 हैं तो 90 या 85 जरूर हो सकती हैं। रत्न से आपकी जो जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उनको कम किया जा सकता है, आपके मार्ग को आसान बनाया जा सकता है, बदला नहीं संवारा जा सकता है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। रत्न से ही संबंधित आपने प्रश्न करा है, हालांकि परेशान क्यों है आप? राहु की दशा में शनि का अंतर आपको चल रहा है, जो कि पापक ग्रह की महादशा में पापक ग्रह का अंतर, मेष लग्न की जन्म कुंडली में ना राहु कारक होते हैं ना शनि कारक होते हैं, इसके चलते परेशानी हो रही है। शनि हालांकि शशयोग में है, लेकिन सूर्य और शनि की युति है। मुझे आपकी जन्म कुंडली को देख करके लगता है कि आपको सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य का संचरण है, जो कि स्वा नक्षत्र में है, और आपको माणिक्य आजीवन के लिए धारण करना चाहिए। माणिक्य के अलावा और कोई रत्न की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बहुत से लोग यहाँ प्रश्न उठा सकते हैं कि मंगल लग्नेश है, भाग्यस्थ है, मंगल का रत्न पहनाया जाए।
हाँ क्यों नहीं पहना सकते, लेकिन अगर वो राहु के साथ नहीं होते तो मैं पहनाने की बात करता। रही बात जब मुझे लगता है कि सूर्य का रत्न धारण करा करके जब सब कुछ मिलाया जा सकता है, तो मैं क्यों मंगल के रत्न की तरफ इनको लेकर के जाऊं नवमांश में भी, क्योंकि वो राहु के साथ में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति राहु के प्रभाव में आ जाने के कारण कुछ हद तक कमजोर है, तो सामान्य से नुकसान भी मूंगा पहनने से देखने में आ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि गुरु भाग्यश है तो गुरु का रत्न पहनाया जाए, तो गुरु का रत्न पहनाया जा सकता था बिल्कुल, लेकिन वो राहु की दृष्टि से दृष्ट है और कहीं ना कहीं वो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, नवमांश में वो शत्रु राशि में बैठे हैं। तो जब मुझे लगता है कि सूर्य की स्थिति इस कुंडली में जब सबसे अच्छी है और वो ही इस जन्म कुंडली के मुख्य ग्रह बन सकते हैं, तो मैं सिर्फ सूर्य का रत्न ही आपको पहनाऊंगा। तो मात्र एक रत्न सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करिए और कोई रत्न की आपको आवश्यकता नहीं है। रत्न के विषय में भ्रम बहुत है और उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगली जन्म कुंडली है शारदा सोनवाने जी की, तो शारदा जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। जुलाई 1994 10:45 AM तेलंगाना जोगीपेट। शारदा जी आप कन्या लग्न और कन्या राशि की हैं, करियर कैसा रहेगा आप मुझे फील्ड बता देती हैं। अब आपने एक लाइन में प्रश्न पूछ लिया तो लग्नपति बुध बनते हैं, दशम भाव में बैठे हैं जाकर के, आपकी कुंडली का जहां पर मिथुन राशि आती है तो भद्र नामक महापुरुष हो गया, बुधादित्य योग आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में, लाभपति का लग्न में होना, धनपति का जाकर के 12वें भाव में होना शुक्र है। हालांकि वो करियर अच्छा रहेगा लेकिन धन संचयन में आपकी कमी रहेगी पहली चीज, और राहु की दशा में मंगल का अंतर है। कुंडली कन्या लग्न की अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर अच्छा देख पा रहा हूं, धन संचयन में परेशानी है। और अगली जन्म कुंडली है अरविंद अंजना जी की, मुझे लगता है ये पुरुष की जन्म कुंडली है, 8 जनवरी 1999 रात के 8:30 नीमभेरा राजस्थान। कर्क लग्न के हैं आप, कन्या राशि आपकी, गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी, मेरे घर जाने से मिल जाएगी क्या, प्रयत्न तो आपका हो उस लेवल का। वैसे तो लग्नपति पराक्रम भाव में बैठे हैं, पराक्रम पति षष्ठ भाव में है और दशम पति की स्थिति देखा जाए तो पराक्रम भाव में बैठ करके षष्ठ भाव को देख रहे हैं और दशम को भी देख रहे हैं। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग थोड़े से कमजोर हैं, वैसे लग्न में राहु बैठा है तो कन्फ्यूजन की स्थिति, चंद्रमा पर केतु की दृष्टि तो सोचते बहुत ज्यादा होंगे, कंसंट्रेशन में परेशानी, और सूर्य का भी जो बल होता है कुंडली में वो कमजोर, और ऊपर से कर्क लग्न की कुंडली में आ गई राहु की महादशा जो कि लग्नगत है। बाल्यकाल में राहु की महादशा, बाल्यकाल तो नहीं कहेंगे, 99 का आपका जन्म है तो 22 साल की उम्र है, लेकिन पढ़ाई के ही दौर में आप हैं और इस एज में भटकाव थोड़ा होता ही है। अब लग्नगत राहु है तो कंसंट्रेशन में दिक्कत मैं ज्यादा देखता हूँ। फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको प्रयत्न करने से ना नहीं कहूंगा, लेकिन अगस्त 2023 तक ही प्रयत्न करें। अगर अगस्त 2023 तक सरकारी नौकरी हो जाती है आपके प्रयत्न से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बैठ करके समय व्यर्थ मत करिए और प्राइवेट जॉब की तरफ आप जाएं तो मुझे ज्यादा उचित आपकी कुंडली में दिखाई पड़ता है। तो सरकारी नौकरी के योग कमजोर हैं और आपको प्राइवेट क्षेत्र में ही प्रयत्न करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी एक वर्ष का समय है, उस वर्ष में अगर आप ले लें तो बहुत अच्छी बात है। तो आप तैयारी करिए, सूर्य को जल दीजिए, पिता का अपमान ना होने पाए और सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है तो उसको छोड़ दीजिए। और अगली जन्म कुंडली हम ले लेते हैं आदित्य अग्रवाल की, तो आदित्य जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 28 अक्टूबर 1991 22:19 समय है इनका, रात के 10:19 छत्तीसगढ़ का जन्म है इनका, महासमुंद। मिथुन लग्न और मिथुन राशि की आपकी जन्म कुंडली आ रही है। शादी कब तक होगी, लड़की कैसे मिलेगी, घर परिवार कैसा रहेगा, देखिए सप्तम भाव के अधिपति गुरु बनते हैं जाकर के तृतीय भाव में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं और शनि में गुरु का अंतर 2024 में आ रहा है, लेकिन गोचर कुंडली से जो स्थिति बन रही है वो 2023 के अप्रैल के बाद में विवाह की बन रही है। लड़की का जो स्वभाव है वो थोड़ा उग्र होने वाला है जो आपने पूछा था।
फिर भी मुझे आपकी कुंडली को देख के लगता है कि अगर आप प्रयास करें तो अप्रैल 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 के आसपास शादी फिक्स होने का योग तो बनता है। तो अगले वर्ष में विवाह का योग बन रहा है आपकी कुंडली से, नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन से विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं, तो इस दिशा में प्रयास करें। वैसे इस कुंडली में प्रेम विवाह के भी योग थे, लेकिन सूर्य मंगल की युति पंचम भाव पर उस पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना जो कि ब्रेकअप की स्थिति को उत्पन्न करा देता है। अब देखना होगा कि क्या स्थिति रही है। देखिए वो भी बात है कि यहाँ पर पूरी तरह से खुल के बताया तो नहीं जा सकता है, ये बात करनी होगी, आपसे भी देखना होगा कि क्या स्थिति है शनि में राहु का अंतर चल रहा है क्योंकि। लेकिन फिर भी अगर अरेंज मैरिज ही अगर परिवार वाले प्रयासरत हैं तो अगले वर्ष में विवाह के योग है, उस समय पर प्रयास करा जाए। गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डालकर के स्नान करिए और माँ लक्ष्मी की आराधना अत्यधिक आपके द्वारा होनी चाहिए, वो आपके लिए उचित रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर आज हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के समक्ष में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए साथ ही साथ शॉर्ट्स वीडियो में ज्योतिषीय सूत्र को लेकर के उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।